जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ, जिला बनाओ। और ऐसा चमत्कार करो कि सांबर फुलेरा जिला बनाए। आपसे यही प्रार्थना है इन बच्चों की कि हमारी 56 साल तक की मेहनत है, आप आशीर्वाद दे दिया है आपने, और निश्चित तौर से मेरे को आशा है कि आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जन सेवक दीनदयाल कुमावत ने आज माता साकंबरी के पास लगाई अर्जी। सांबर फुलेरा को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सद्बुद्धि प्रदान करें। सोमवार 17 जुलाई को राजस्थान विधानसभा के सभी विधायकों और मंत्रियों से की जाएगी भेंट। सांबर का नमक और माता रानी का चित्र और सबसे प्रार्थना की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में जो सांबर फुलेरा के साथ अन्याय हुआ है उसमें सांबर फुलेरा जिला बनाने की मांग का सभी विधायक पक्ष रखते हुए न्याय करवाए और सांबर का नमक का कर्ज अदा करे। साथ ही जयपुर कलेक्टर आईजी और ग्रामीण एसपी सभी अधिकारियों को यह भेंट दी जाएगी और उनसे भी प्रार्थना की जाएगी। दीनदयाल कुमावत ने बताया सभी विधायकों से और मंत्रियों से उनके निवास जाकर आग्रह किया जाएगा 17 तारीख को विधानसभा के सत्र में सांबर फुलेरा जिले की आवाज़ उठाई जाए। सच में सभी मानदंडों को पूरा करने वाला सांबर फुलेरा को अब तक क्यों जिला नहीं बनाया गया, जनता का यही प्रश्न है सबसे। क्या है ये, आप क्या संदेश देंगे जनता को? आज माता जी के दर्शन करने हैं और 17 तारीख को माता जी का चित्र और सांबर का नमक सभी विधायकों को, सभी अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को सबको देने और सांबर के नमक का कर्ज अदा करने के लिए कि सांबर फुलेरा डिजर्व करता है। सब नियम कायदे हैं और केवल एक राजनीति के चक्कर से दूसरे पंचायत को जिला बना दिया और सांबर को जिला नहीं बनाया। इसके लिए ही माता से भी आग्रह करने आए कि है माता सरकार को सद्बुद्धि दे और शक्ति दे हमारे सब कार्यकर्ताओं को और सरकार को कि वो सांबर फुलेरा को जिला बनाए। सभी विधायकों के, सभी मंत्रियों के घर घर जाकर उनको माता जी का चित्र और नमक सांबर का देकर सांबर के नमक के बदले कर्ज की जो है कि आपने सांबर का नमक आया है आपकी पीढ़ियों ने, तो आज सांबर को जरूरत है आप सब लोगों की कि आप 200 विधायक विधानसभा में ये सांबर फुलेरा का कुछ नोट आए और नमक का कर्ज अदा करें और सांबर फुलेरा को जिला बनाए।